हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, वो प्रोडक्ट के बारे में सब जानते हैं लेकिन उसको बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, तो वो प्रोडक्ट है रोज़ वाटर। आज हम रोज़ वाटर के बारे में बात करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि इस रोज़ वाटर को यूज़ करने से क्या क्या बेनिफिट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो ये जो रोज़ वाटर है, ये हमारी स्किन को क्लीन और ब्राइटन बनाता है और जो नेचुरल ऑयल होता है उसका बैलेंस बना के रखता है और हमारे स्किन पे जो पोर्स होते हैं उनको श्रिंक करता है और हमारी स्किन को टाइट बनाता है। और इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं। और ये रोज़ वाटर से हम अपनी आइज़ की पफिनेस और डार्क सर्कल्स को भी रिड्यूस कर सकते हैं और हम इसे एक टोनर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। और इस रोज़ वाटर से हम अपना मेकअप भी रिमूव बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो देखिए, छोटी सी चीज़ के कितने सारे बेनिफिट्स हैं। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, बस इसे अप्लाई करना है, जिसके बाद आप बहुत सारे बेनिफिट इसका यूज़ करने से पा सकते हैं। आप किसी भी ब्रांड का रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे अप्लाई करना है ये मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपने डे में यूज़ करना है तो आपको कॉटन बॉल लेनी है, उसको अच्छे से डिप कर लेना है रोज़ वाटर से और अपने फेस में अच्छे से अप्लाई कर लेना है और 15 मिनट्स छोड़ दीजिए और उसके बाद आप अपना फेस ठंडे पानी से वॉश कर लीजिए। अगर आप वॉश नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। और अगर आप नाइट में इसका यूज़ करना चाहते हो तो आप नाइट में इसको अप्लाई करके सो जाइए और मॉर्निंग में आप अच्छे से इसको फेस को अपने को ठंडे पानी से वॉश कर लीजिए। फेस वॉश के बाद आपको अपनी स्किन में खुद ही चेंज लगेगा। आपको रोज़ वाटर का यूज़ फेस पे एटलीस्ट वीक में 2 टाइम्स तो करना ही चाहिए और आइज़ की पफिनेस और डार्क सर्कल के लिए आपको 2 पीसेस कॉटन के लेने हैं और उनको अच्छे से आपको रोज़ वाटर में डिप कर लेना और आइज़ के ऊपर आपको रख लेना है 15 मिनट्स तक। उसके बाद आप कॉटन बॉल को रिमूव कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आपकी आइज़ को बहुत अच्छा रिलैक्सेशन फील होगा। आप इस रोज़ वाटर का फेस पैक में भी यूज़ कर सकते हैं और आपको वाटर की जगह जहाँ इसको किसी भी फेस पैक में रोज़ वाटर को ऐड करना चाहिए, जो आपकी स्किन को बहुत ही स्मूथ और ग्लोइंग बनाए रखेगा। और आप थर्ड यूज आइस क्यूब बना के भी कर सकते हैं। आपको एक ट्रे लेना है और उसमें आपको रोज़ वाटर डाल लेना है और उसके आपको आइस क्यूब बना लेने हैं और आइस क्यूब को आपको अपने फेस में सर्कुलर मोशन में अच्छे से मसाज करना है। तो आप किसी भी वे में रोज़ वाटर को स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप कॉटन की हेल्प से करिए चाहे आप आइस क्यूब बना के कीजिए। तो इसका रेगुलर यूज़ करने से आपको अपनी स्किन बहुत ही ग्लोइंग लगेगी और ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए यूज़ होता है। इसे कोई भी स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं और इनका मैन वुमेन कोई भी यूज़ कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था रोज़ वाटर के ऊपर मेरा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और अपना खूब सारा ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय। Oh, oh, oh.